आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास टेंथ का, दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। आज हम इसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ पहले ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिव्यू करेंगे, क्योंकि इसको करने से पहले वो कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए, जैसे कि टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है, उसे कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इस चैप्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लिया गया है, जैसे ट्री है, लेक है, पोल, जेट फाइटर, एरोप्लेन, टावर, अलग अलग चीजों पे इसकी जो प्रॉब्लम्स है, इसके जो क्वेश्चंस है वो बेस्ड है। तो मैंने क्या किया है, इस चैप्टर को उन टॉपिक्स के साथ ऐसे डिवाइड कर लिया है ताकि वो आपको समझने में इजी रहे। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में टी रेशियोज और टी टेबल के बारे में बताऊंगी, और दूसरा बताऊंगी मैं आपको प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पोल्स। तो पहला जो टॉपिक मैंने लिया है वो पोल के ऊपर बेस्ड होगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आज का जो चैप्टर हमारा है, दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अब इट इज एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ से अगर हम, ये इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, तो हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको दोबारा से ओवरव्यू रिव्यू करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट विल बी टी रेशियोज। ये बहुत काम आते हैं हमारी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब टी रेशियोज के लिए मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। यहाँ पर एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है, दैट इज व्हाई इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इनका जो रिलेशनशिप होता है वो हम डिस्क्राइब करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है, दैट इज बीसी, बीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एसी, एंड एबी का होल स्क्वायर। तो ये जो है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री टर्म्स, मतलब थ्री थिंग्स, दैट इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपके पास कोई भी दो चीजें गिवन हो तो आप जो थर्ड थिंग है वो निकाल सकते हैं। तो ये तो बात होगी राइट एंगल ट्रायंगल की। अब इसकी बात कर क्यों रहे हैं, अब हमारे पास यहाँ पर सिक्स टी रेशियोज होती हैं, दैट इज सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट, राइट। तो ये हमारी जो है ये टैन रेशियो टी रेशियोज हैं। अब ये जो है, ये कितना एंगल है, मैंने अभी बताया था आपको 90 डिग्री है। सपोज कर लेती हूँ यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, दैट इज थीटा। तो ये जितनी भी रेशियोज हैं हम इस थीटा के अकॉर्डिंगली ही निकालेंगे। तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है जो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज पी बी पी एच एच बी, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि भोले, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से लर्न करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि भोले। तो उसके लिए जो सबसे पहला ऊपर लिखेंगे साइन, कॉस एंड टैन, ठीक है, साइन, कॉस एंड टैन। अब यहां से साइन के लिए जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बनेगा, पी अपॉन एच। पी का मतलब है यहाँ पर परपेंडिकुलर, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, और बी का मतलब है बेस। तो यानी कि पी अपॉन एच मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होगा डिवाइड बाय बेस होगा वो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहां से कॉस का वैल्यू क्या आ गया, बी अपॉन एच। लाइक वाइज टैन की वैल्यू जो है वो पी अपॉन बी आ गई, ठीक है। ये तो तीन बहुत सिंपली निकल गए ऊपर से। अब ये जो नीचे से, अब टैन का उल्टा होता है यहाँ पर कॉट, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, और साइन का उल्टा होता है हमारे पास कोसीकेंट, ठीक है। तो इसी तरह से कॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी अपॉन पी, यानी कि बी अपॉन पी। देन सीकेंट का एच अपॉन बी, एंड कोसीकेंट का हमारे पास बनेगा एच अपॉन पी। तो ये है हमारे टी रेशियोज और उनके रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज की।
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें काम आता है दैट इज टी रेशियोस ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स, या फिर इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो 6 टी रेशियोस अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी वो मैंने लिखी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट एंड सेकेंट एंड कोसेकेंट थीटा। इनकी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो हमें पता होती हैं। जो थीटा है इस केस में 0 हो सकता है, 30, 45, 60 और 90, राइट। इसके तो हम स्टार्ट कहाँ का कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप यहाँ पर 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया, इसको कर लो 4 से डिवाइड, सारी टर्म्स को 4 से डिवाइड, और इनका करना है हमें अंडर रूट। तो पहला जो स्टेप है वो थोड़ा सा इस तरह से आपको करना है, बाकी बहुत सिंपली निकल जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, फिर सारी टर्म्स को 4 से डिवाइड करना है और उनका अंडर रूट करना है। तो अब 0 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, दैट इज 0, 0 का अंडर रूट क्या होगा, दैट विल ऑलवेज बी 0। देन 1 बाय 4 का रूट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देन 2/4 का ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा हमारे पास √3/2, क्योंकि 4 का सॉल्व हो जाएगा और 3 का सॉल्व हो नहीं सकता इसलिए √3/2 हो जाएगा। देन 4/4 1 हो जाएगा, सो √1 इज 1। सो मेरे पास कंक्लूजन है साइन थीटा की वैल्यूज का 0, 1/2, 1/√2, 3/√3/2 एंड 1। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 60 की वैल्यू क्या है आपके पास, तो यू कैन सी फ्रॉम द टेबल एंड टेल कि √3/2 की वैल्यू है, या साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है। इस तरह से हमने ये साइन की जो वैल्यू है वो निकाली है। अब साइन की वैल्यू की हेल्प से हम ये 5/6 जो बाकी बची हैं इनकी वैल्यूज भी आराम से निकाल सकते हैं, वो कैसे देखिए। अब जैसे ये इस तरह से लिखा है, इसको रिवर्स ऑर्डर में कॉस की वैल्यूज लिख लीजिए। तो सबसे पहले वैल्यू आएगी 1, फिर आएगी √3/2, फिर ये सेम रहेगी 1/√2, फिर लिखेंगे 1/2 एंड देन लिखेंगे 0, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में किसकी वैल्यूज बन गई, हमारी कॉस थीटा की वैल्यूज बन गई। देन टैन थीटा, जो टैन थीटा होता है ना उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपके साथ डिस्कस किया था। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि इसको इससे डिवाइड करना है, 0 डिवाइड बाय 1 दैट इज 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 दैट विल बी 1/√3, देन 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 इज 1, then √3/2/1/2 that will be √3 and 1/0 will be infinity। किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये निकल गई हमारी साइन कॉस और टैन की वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कॉट। अब कॉट किसका इनवर्स होता है, टैन का इनवर्स होता है, यानी कि जितनी भी टैन की वैल्यूज है आपको उनको डिनोमिनेटर में रखना है 1/tan थीटा। तो 1/0 विल बी इन्फिनिटी, इसका रिवर्स करोगे तो √3, इसका रिवर्स करोगे तो 1 ही रहेगा, इसका रिवर्स करोगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इसका रिवर्स करोगे तो इट विल बी 0, ठीक है। देन आ गया सीकेंट। सीकेंट किसका उल्टा होता है, 1/cos थीटा होता है। तो हमने कॉस की वैल्यूज का रिवर्स करना है, 1 का रिवर्स करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसका रिवर्स करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो √2, देन 2, देन इसका रिवर्स करेंगे 1/0, दैट विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट आ गई हमारे पास कोसेकेंट। कोसेकेंट होता है हमारा साइन का उल्टा, तो साइन की उल्टी करते हैं 1/0, दैट विल बी इन्फिनिटी, देन 1/2 का उल्टा 2 हो गया, देन 1/√2 का उल्टा √2, ठीक है, देन √3/2 का 2/√3, देन आगे लास्ट वैल्यू इज 1। तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल। सो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टर्म्स हैं जो पहले पता होनी चाहिए। इसमें से सबसे फर्स्ट टर्म जो आ रही है वो आती है हमारे पास लाइन ऑफ साइट। अब सपोज कर लेते हैं ये कोई आई है ऑफ एन ऑब्जर्वर, यानी कि पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, आई ऑफ एन ऑब्जर्वर वहां से इस ऑब्जेक्ट को वो वॉच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आई ऑफ एन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन क्रिएट होती है उस पर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। एक बार दोबारा से बता रही हूँ, एक ये पर्सन है, इट इज स्टैंडिंग हेयर, वो इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आई ऑफ एन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन क्रिएट होती है बनती है उस पर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट।
सपोज कर लीजिए एक पर्सन एक ग्राउंड पे खड़ा है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग लगा है, उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये आई ऑफ एन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को देख रहा है जब वो, और आई ऑफ एन ऑब्जर्वर और हॉरिजॉन्टल के बीच में ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दिस पर्टिकुलर एंगल इज नोन टू बी एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि उस पर्सन ने अपनी जो आईज है वो एलिवेट करी है, मतलब रेज करी है टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके केस में अब जैसे यहाँ पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है और वो ऊपर ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब इस केस में पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, सपोज ये पर्सन है और वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ ग्राउंड पे है, यानी कि अब वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वो ग्राउंड पे कार्स को वॉच कर रहा है, ठीक है, सपोज कर लेते ऑब्जेक्ट है कार, उसको वॉच कर रहा है। तो वहां से ये जो पर्सन खड़ा है और ऑब्जेक्ट को वॉच कर रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये एंगल क्रिएट होता है, दिस इज नोन टू बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो यहां से कंक्लूजन ये है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अपवर्ड्स की तरफ बनता है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो डाउनवर्ड्स की तरफ बनता है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करके अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे पोल के रिलेटेड क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस होंगे पोल के रिलेटेड होंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, अ पोल कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 2 रूट 3 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले हमें हमेशा क्वेश्चन को पढ़कर उसका पहले फिगर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है क्या, एक पोल है, तो मैं एक पोल ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, लेट अस से ये ए बी एक पोल है, ठीक है। अब उसने कहा इट कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 2 रूट 3 मीटर, सपोज ये उसकी शैडो है, ठीक है, ये मान ली मैंने उसकी शैडो, ये बीसी उसकी शैडो है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2 अंडर रूट 3 मीटर, ये आपको गिवन है बीसी की लेंथ। देन ऑन द ग्राउंड व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, तो सन के साथ सपोज यहाँ सन है तो यहां से उसका जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है, और ये वाला एंगल तो हमें पता ही है ये 90 डिग्री होता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमें सपोज करिए ये एच इसकी हाइट है, तो हाइट ऑफ द पोल हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि इस फिगर में मुझे एच कैलकुलेट करना है, जिसमें थीटा क्या गिवन है 60 डिग्री गिवन है और ये बीसी की लेंथ गिवन है। अब दूसरा फिगर बनाने के बाद दूसरा काम हमें क्या करना होता है, हमें ढूंढना है रिलेशनशिप बिटवीन, अब यहाँ पर दो कौन सी चीजें गिवन है, एक है परपेंडिकुलर जो हमें ढूंढना है, दूसरा क्या गिवन है हमें बेस गिवन है। तो हम ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोले, ये होता है साइन कॉस एंड टैन, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां से परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा रिलेशन यूज होगा टैन का, तो मैं यूज करूंगी टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, ठीक है। अब यहां पर थीटा कितना गिवन है हमें 60 डिग्री, तो मैं यहां पर वैल्यूज पुट डाउन करूंगी, टैन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है, मैंने ए बी को क्या माना है एच माना है, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, डिवाइडेड बाय बीसी कितना गिवन है 2 अंडर रूट 3 मीटर। अब तीसरा काम क्या है आपका, ये जो टैन 60 की वैल्यू है ये हमें टेबल में से नोन है, इसीलिए आपको भी पहले दो टॉपिक्स करवाए थे टी रेशियोज और टी टेबल, ये दोनों ही आने चाहिए जब आपको इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब टैन 60 की वैल्यू मेरे पास होती है √3, वो आप टेबल से चेक करके देख लीजिए जाए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 2√3 × √3, √3 × √3 3 हो जाएगा, सो 2 × 3 विल बी 6, तो हाइट ऑफ द पोल इज 6 मीटर्स। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर फिगर नहीं गिवन, तो पहले क्वेश्चन को देखकर हमें फिगर बनानी है। यहां पर द टॉप ऑफ टू पोल्स, उनकी हाइट है 16 एंड 10 मीटर, तो लेट अस से दो पोल्स हैं, लेट अस से ये एक पोल है जिसकी हाइट मैंने सपोज कर ली है, मतलब गिवन है मुझे 10 मीटर, और दूसरा पोल है जिसकी हाइट मेरे पास कितनी है 16 मीटर्स है, ठीक है, ये दो पोल्स हो गए। देन दे आर कनेक्टेड बाय द वायर ऑफ लेंथ एल, तो सपोज कर लेते हैं ये जो है दोनों वायर लेंथ एल के साथ कनेक्टेड है, इस वायर की लेंथ जो है वो एल है और ये दोनों पोल्स आपस में कनेक्टेड है।
देन इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो पहले यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे हम, ये हॉरिजॉन्टल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है कि ये जो वायर है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल। आप इस लाइन को भी ज्वाइन कर दो ताकि हमारी जो फिगर है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। अब ये बन गई है हमारी फिगर। अब यहाँ पर एक और काम करना है आपको, यहाँ पर आपको इनको नेम करना है ए बी सी डी और ई, ठीक है। आप चाहे तो क्लॉकवाइज चल सकते हैं या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मर्जी आपके विषय है वो आप इसको नेम दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करें तो ए बी सी डी ई, लाइकवाइज आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं। देन फाइंड हमें एल करना है, ठीक है। तो हमें एल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये देखिए ये 10 है और ये किस शेप का है, ये रेक्टेंगल शेप का है। तो रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। अगर ये ईडी है 10 तो ये जो बीसी है वो भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरी लेंथ कितनी है, 16 है। तो यहां से ये जो एबी की लेंथ है वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो एबी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 16 - 10 दैट इज 6 मीटर। पहले तो आपने ये निकालना है, ये आ गई 6 मीटर मेरे पास रेड कलर से जो मैंने लिखा है। अब आप मेरे पास एंगल है, मेरे पास ये हाइपोटेन्यूस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने निकाल ली है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आप देख सकते हैं, तो वो कौन सा रिलेशन है, साइन का। तो यहां से लिखूंगी मैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्रिया है हमारा ए बी है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका ए ई है, राइट। अब यहां से थीटा की वैल्यू मुझे पता है, 30 डिग्री क्वेश्चन में गिवन थी। ए बी की वैल्यू मेरे पास है 6 और ए ई की वैल्यू मुझे निकालनी है वो है एल। साइन 30 की वैल्यू मैं टेबल से देखकर लिख सकती हूँ, दैट इज 1/2 6/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 12 मीटर। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना है, 12 मीटर्स। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक पोल इज 12 मीटर हाई। तो ये इलेक्ट्रिक पोल है, सपोज कर लेती हूँ ये ए बी एक पोल है और इसकी जो हाइट है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 12 मीटर। अ स्टील वायर टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल, ये टॉप ऑफ द पोल है, ठीक है, इसके साथ एक स्टील वायर अटैच की गई है, राइट। इज अफिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड से लेकर इसके टॉप ऑफ द पोल तक एक स्टील वायर अटैच की गई है टू कीप द पोल अपराइट, इसको इकट्ठा सीधा रखने के लिए। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर पहले, और ये वायर जो है वो 60 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। थ्रू द फुट ऑफ द पोल, थ्रू द फुट ऑफ द पोल ये है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर लेंथ ऑफ द वायर मैं सपोज कर रही हूँ एक्स मान रही हूँ, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। तो लेंथ मैंने सबसे पहले कर लिया, ए सी जो है वो एक्स है। अब मुझे साफ सी बात है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट टफ थी। जब स्टेटमेंट में से मैंने ये फिगर ड्रॉ कर ली तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में वाला रिलेशन ढूंढना है आपको। सो मेरे पास साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर इज ए बी और हाइपोटेन्यूस इज ए सी। तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पर गिवन है आपको 60 डिग्री, ए बी की वैल्यू है 12 और एसी की वैल्यू है x। तो यहां से साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2 12/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट x × √3 = 12 × 2। तो इस √3 को हम यहाँ पर नीचे ले जाएंगे। तो आपने एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास, अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन नहीं थी तो आप √3 की वैल्यू नहीं डालेंगे यहाँ पर, पर डिनोमिनेटर में रूट वाली चीज भी नहीं रखेंगे। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 और √3 को रैशनलाइज करेंगे और अपर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 12 × 2 = 24, √3/3, √3 × 3 रह गया। तो यहां से कटिंग करके मेरे पास आ रहा है 8√3 मीटर। तो यहां पर आंसर इस क्वेश्चन का ये है, 8 लेंथ ऑफ द वायर इज 8√3 मीटर्स। तो एक चीज, दो तीन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को लाइन वाइज लाइन पढ़ते पढ़ते साथ साथ आपने फिगर बनानी है, फिर फिगर को नाम देना है, फिर हमने रिलेशनशिप ढूंढना है कि उस
उसका कौन सा रिलेशन से हम उसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, देन टेबल में से वैल्यूज डालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई या कुछ भी करके आप उसको सॉल्व करेंगे, और अगर आपका जो रूट वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको रैशनलाइज करना जरूरी है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कवर अप कर लिया है। इसमें मैंने आपको टी टेबल, टी रेशियोज और हमारी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पोल के ऊपर करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पोल की प्रॉब्लम्स को ही कंटिन्यू करूंगी और साथ ही साथ करवाऊंगी लेख के ऊपर प्रॉब्लम्स। तो कोई भी वीडियो हमारे इस चैनल का और इस चैप्टर का नाम मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें जिनको जरूरत है इस चीज की। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।